नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं विभाव दीक्षित लेकर आई हूँ आपके लिए दिन भर की खबरें। राजस्थान के सियासी संकट में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कमलनाथ की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब किया है। ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह की रस्साकशी हो रही है उसमें वो मध्यस्थता करवा सकते हैं। मौजूदा दौर में राजस्थान का संकट बहुत बड़ा होता दिखने लगा है। गांधी परिवार को किसी भी सूरत में इसका हल निकालना होगा, तभी कमलनाथ को दिल्ली में तलब किया गया है। उधर दूसरी तरफ जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ उससे हमने कांग्रेस अध्यक्ष को अवगत कराया है। अंत में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका सभी को पालन करना होगा। पार्टी को एकजुट करना है और पार्टी में अनुशासन कायम रखना है। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। सोमवार को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी के नाम की घोषणा करी। उन्होंने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आजाद 3 दिवसीय दौरे पर रविवार को जम्मू पहुंचे थे। अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा उनके नाम की तरह ही होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। वो पार्टी का एजेंडा भी पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं। इसमें जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है, जमीन और नौकरियों के अधिकार स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने के लिए संघर्ष जारी रखना शामिल है। नई पार्टी के लॉन्च के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए ही है, वो पूरी तरह स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख किया है कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी या नेता से प्रभावित नहीं होगी और आजाद रहेगी। अपनी नई पार्टी को लेकर गुलाम नबी ने कहा कि लगभग 1500 नाम हमें उर्दू संस्कृत में भेजे गए थे। हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है। हम चाहते थे कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो, इसीलिए पार्टी का ये नाम तय हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक यूट्यूबर हाल ही में योगी का मंदिर बनवाने के बाद चर्चा में आया था, लेकिन अब ना तो मंदिर बनाने वाला युवक मिल रहा है और ना ही मंदिर की मूर्ति और चांदी का छत्र। बताया जा रहा है कि मंदिर की मूर्ति को पुलिस ने हटवा दिया है, क्योंकि युवक के चाचा ने इस मंदिर की जमीन के संबंध में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि युवक ने मंदिर बनवाकर उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा जमा लिया है। अयोध्या में बनाए गए इसी मंदिर से योगी आदित्यनाथ की मूर्ति हटाए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर से चांदी का छत्र और दान पात्र भी गायब है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कार्यवाही पुलिस को दी गई शिकायत के बाद हुई है। शिकायत में युवक पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने चाचा के पुश्तैनी कब्जे वाली जमीन पर योगी का मंदिर बनवाया था। लखनऊ में सोमवार की सुबह करीब 10 बजे एक बड़ी दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना भक्तों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से कम 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।